रिजर्व पुलिस लाइन के मेज सभागार में बुधवार को वामा सारथी उत्तर प्रदेश पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में महिला व पुरुष आरक्षियों एवं पुलिस कर्मियों के परिजनों को योगा का प्रशिक्षण दिया गया। इस संबंध में उप निरीक्षक व योगा शिक्षक नंदजी यादव ने बताया कि पूरे विश्व में 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, जिसकी तैयारियां एवं पुलिस कर्मियों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए उन्हें योगा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसके तहत बुधवार को प्राणायाम विद्या बताया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उप निरीक्षक व योग शिक्षक नंदजी यादव ने कहा, हिसाब से हम लोग अपना ये चला रहे हैं। पेट भी नहीं भरता है, गैस को आने नहीं देता है और गैस को दूर भगाता है। सांस तो लीजिए और छोड़ दीजिए, सांस तो पीजिए और छोड़ दीजिए। कपाल भाता सर, सांस को लीजिए और छोड़ना है, सबके जो लीजिए और छोड़ देना है। ये ब्लड प्रेशर जो होते हैं हाई ब्लड प्रेशर, वो भी धीरे से करते हैं, तेजी से नहीं। और जो स्वस्थ है उनके स्वस्थ भाई है। ये कपालभाति आसन, ये पेट का जो पैसा है वो पेट की संबंधित बीमारी है उसको दूर भगाता है। और सांस क्रिया में भी इसको लाभ है, जो बीमारी चल रही है इसको सांस को लीजिए और छोड़ दीजिए। अपने आप से इसको बंद करना है फिर छोड़ना है। अनुलोम विलोम आसन, चलिए ये सभी लोग जो है ये दाहिने नाक को नाचका को बंद करिए, चलिए। और बाएं से सांस को खींचना है और फिर उधर बाएं को बंद करके निकालना है, सब लोग निकालिए। और दाहिने नाचका पर दाहिना उठा ले जाइए दाहिने, और फिर बाएं से खींच के रोके रहिए और फिर इधर बंद करके इसको निकाल देना है। अनुलोम विलोम प्रणाम आसन, चलिए धीरे खींचे और उल्टा उसको जो है अनुलोम विलोम छोड़ दीजिए। पास अभी सर्दी के पास में जो है इसे जो खत्म करता है, गैस वगैरह की बीमारी को खुला है, सांस का भी इसमें महत्व है। आसन को आप छोड़िए, आराम से बैठ जाइए। आप एक जो भाषिका प्रणाम आसन, भाषिका जिसे भारतीय बड़े लोहार पहले देखते थे, लोहा गर्म किया जाता था, आता था उस पर लोहा गर्म होता था, तो लोहा तो पीटकर गर्म कर देता था। भाषिका प्रणाम आसन इस आसन का आपको करना है, ये दोनों हाथ ऊपर ले जाना है, सांस को रोके भी और धीरे से छोड़ना है। जैसे देख लीजिए आपको भाषिका प्रणाम इस पर लेना, आपको फिर बढ़ जाना चाहे वहीं से हाथ काट लीजिए करिए और देखिए। इस प्रकार से आपको दोनों हाथ ऊपर नीचे ऊपर ऊपर दोनों हाथ ले जाइए और दोनों हाथ को नीचे और नाक से सांस को छोड़ना है, ऊपर रुके रहिए। भाषिका प्राणायाम आसन इस आसन से भी बहुत आपके शरीर का लाभ है और इसी पर छोड़ना है। ये रहा भाषिका प्रणामासन, हाथ ही बैठ गए हम लोग, भाषिका प्रणामासन। पैर को इस प्रकार सीधा करना आप, और ये जैसे आप घुटने में और इस तरह से बैठे थे दर्द हो रहा हो तो इसको आप सीधा कर लीजिए। अगर घुटने में कोई बीमारी हो दर्द होता हो
तो आप ये पंजे को चलाइए, यहाँ सीधा कर दीजिए और ये मेरिटेड पीठ वाले बताएं इसको सीधा रखिए, टाइट रखिए, तब तो इसका लाभ है। ये पंजे को चलाइए, आगे पीछे चलाइए और ये नीचे देखिए, इसको जीरो बनाइए, बाएं से दाएं पंजे को चलाइए, बाएं से दाएं जीरो बनाइए, बाएं से दाएं जाइए और फिर दाएं से बाएं आइए। हमारा तो पुलिस लाइन के, हम इसी पुलिस लाइन में नियुक्त हैं, उप निरीक्षक नंद जी यादव मेरा नाम है। ये योगा का आज कार्यक्रम हम लोग यहाँ पुलिस लाइन में हमारे अधिकारियों द्वारा 7 बजे से एक पीरियड के लिए रखा गया है और जवानों को, जैसे कुछ महिला हैं पुरुष हैं, सभी को स्वस्थ रखने के लिए प्राणायाम आसन बताया गया है और इससे इनको भी लाभ बता रहे हैं महसूस हो रहा है। हम लोग जो है सोच रहे हैं कुछ टाइम मिले, जब भी मिले उसमें हम लोग जो है इनको प्राणायाम आसन वगैरह हम लोग सिखाएंगे। ये तो शुरू हुआ है, ये अधिकारियों के आदेश पर जैसे हमारे आया है, फिर आएगा हम लोग चलेंगे। फिर हमारा ये 21 जून आ रहा है, उसमें विश्व वो पूरा विश्व ही मनाता है, तो हम लोग भी अपने उसकी तैयारी करेंगे और तगड़े में कर रहे हैं।